पोल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन इज डाइल्यूशन. कोई भी पोल्यूशन अगर है तो डाइल्यूट करके ही आप ठीक कर सकते हैं. तो पोल्यूशन में अगर आपके आँख में पोल्यूशन चला गया, आप बाहर से घूम के आए हैं, धूल भरी आंधी है, किसी तरह का गंदगी कचरा गया, तो पानी से आँख धोना है. लेकिन ये गर्म पानी से या कोई ठंडे पानी से नहीं, या बासी पानी का लोग जो प्रश्न होता है वो नहीं. नॉर्मल टैप वाटर से पानी को आप धोएं, पानी से आँख को, ये एक हेल्दी प्रक्रिया है. लेकिन निश्चित ही पानी के जब आप झोंका मारते हैं तो इतना जोर का न मारें कि आँख को चोट लगे, वो देखने की ज़रूरत है. लेकिन पानी से आँख को धोना, पानी से फ्लश आउट करना, ये एक अच्छी चीज़ है. और पोल्यूशन का एकमात्र इलाज यही है. और आजकल के ज़माने में जबकि फ़ोन का, कंप्यूटर का, लैपटॉप पे ज़्यादा यूसेज हुआ, लोगों को ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ाने पड़े, तो आँखों में ड्राई आई सिंड्रोम हो गए हैं. तो ड्राई आई के लिए भी समय समय पर पानी मारने से आँखों की नमी और आर्द्रता बरकरार रहती है, वो एक अच्छी हैबिट है. लेकिन पोल्यूशन की बात जो आपने किया, क्या क्या होता है पोल्यूशन से, तो आप देखेंगे जब धूल भरी आंधी रहती है तो उसमें कचरा भी आँख में जाता है और बाकी चीज़ें भी जाती है. तो उन कचड़ों से, गंदगी से आँख में कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है. आँख में फॉरेन बॉडी, अगर कोई मोटा कण चला जाए जो आँखों के अंदर में और चला गया और आप उसको मल दिए, तो कॉर्नियल अब्रेजन भी कर सकता है. और वो कण तो नहीं निकलेगा, तो आप ज़बरदस्ती नहीं निकालना है, नेत्र चिकित्सक से मिलकर के वो कण को निकलवाइए, फॉरेन बॉडी को. और जो इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकता है. इन्फेक्शन जब होगा गंदगी जाने से तो बैक्टीरियल होता है, आँखों में लाली, आँखों में पानी, आँखों में दर्द, कीचड़ आएगा और सुबह में आँख चिपका रहेगा. वही अगर एलर्जी होगा तो एलर्जी में आँखों में लाली होगा, पानी होगा, दोनों आँख में होगा, कीचड़ नहीं होगा, सुबह आँखें चिपके नहीं रहेगी और खुजली होगा. तो एलर्जी भी हो सकता है, कुछ एलर्जी मटेरियल होगा तो साहब को एलर्जी होगा. केमिकल अगर हो सकता है तो इन्फ्लेमेशन, आँखों में इन्फ्लेमेशन, सूजन होता है, तो उसमें कीमोसिस होगा, उसमें ये होगा. तो अकॉर्डिंगली अगर एलर्जिक है तो आप एंटी एलर्जिक ड्रॉप या स्टेरॉयड आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं. इन्फेक्टिव है तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं. तो एक बार तो इलाज होने के बाद पानी से आँख झो करके फ्लशिंग दी आई, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे बचेंगे. और जब बाहर आप निकलें तो ज़रूर से सनग्लास का इस्तेमाल करें कि फॉरेन बॉडी से भी बचेंगे, पोल्यूशन से भी बचेंगे. आप अगर चश्मा लगाती हैं तो बड़ा फ्रेम इस्तेमाल करें और बड़ा फ्रेम के अगल बगल फॉरेन बॉडी भी ना जाए और उस पर प्रॉपर कोटिंग रहे, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, यूवी कोटिंग, ताकि आपकी आँखें खतरनाक किरणों से बची रहे.